हेलो दोस्तों, वीवी वॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस सेशन में लेकर आए हैं असुटेबल बॉय का फोर्थ एपिसोड। दोस्तों, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई इस वेब सीरीज की नॉवेल को 1993 में लॉन्च किया गया था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बड़ी नॉवेलों में से एक थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लता को कबीर का खत मिलता है और इधर लता की माँ उसके लिए एक सुटेबल बॉय की खोज करती है। मानसिंह राशिद के गांव से वापस आ जाता है और भास्कर मेले में कहीं खो जाता है। बढ़ते हैं एपिसोड फोर की ओर। सभी भास्कर को मेले में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कबीर कहीं से वहां आ जाता है और भास्कर उसे मिल जाता है। लता और मान कपूर का परिवार कबीर को धन्यवाद देता है। इधर मान कपूर राशिद के गांव से सईदा बाई के कहने पर फिर से घर आ जाता है, लेकिन वो अपने घर ना जाकर पहले फिरोज के घर जाता है और उसके बाद सईदा बाई से मिलता है। इधर हरीश अपनी नौकरी छोड़ देता है। इधर कबीर लता से फिर से कॉलेज के ड्रामा रिहर्सल में मिलते हैं, तो दूसरी तरफ हरीश को किसी नई कंपनी में फिर से जॉब मिल जाती है। इधर लता की बहन सविता यानी रसिक दुग्गल को एक लड़की होती है। इधर मुस्लिम जुलूस और रामलीला के वक्त हिंदू मुस्लिम में दंगे हो जाते हैं। रामलीला में भास्कर वानर सेना में वानर बना होता है, जिसको देखने गए मान कपूर और फिरोज पर कुछ लोग हमला भी बोल देते हैं। दोनों वहां से जान बचाकर लता के घर वापस आ जाते हैं। और इधर प्ले के बाद लता और कबीर दोनों आपस में बात करते हैं और कबीर लता को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन लता कहती है कि वो अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं करेगी, जिससे कबीर थोड़ा अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड फोर का अंत हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड फाइव में हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या लता कबीर से फिर से मिल पाएगी और सईदा बाई और मान कपूर के प्यार की कहानी आगे क्या क्या मोड़ लेती है। लता के लिए कौन होगा सुटेबल बॉय, कबीर, हरीश या फिर अमित या फिर कोई और। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।